हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाने वाले हैं मसूर की दाल के फुलके। तो दोस्तों, इनको बनाना बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये। तो उसके बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम छोटा चम्मच एक तेल डाल देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, देख सकते हैं आप। अब इसमें हम दालचीनी डाल देंगे तो थोड़ी सी। तीन हमने सफ़ेद इलायची ली हैं, थोड़ी हमने काली मिर्च ली हैं, ये लौंगे हैं हमारे तीन, और हमने इसमें आधा चम्मच जीरा डाला है। इसको हम अच्छे से इसमें भून लेंगे। अब हम इसमें अपनी ये प्याज डालेंगे। प्याज हमारी है तीन। इसको हमें गोल्डन नहीं करना है, सिर्फ मुलायम करना है। देख सकते हैं हमारी प्याज जो है वो मुलायम पड़ गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इस प्याज को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो दोस्तों, तब तक हमारी प्याज ठंडी होती है, तो हम ये दाल हमने भिगो के पहले से ही रखी थी। हमारी दाल को भिगोए 2 घंटे हो गए हैं। अब हम इसको एक मिक्सर के जार लेते हैं और उसमें डालकर पीस लेते हैं। पानी हम इसका निकाल देंगे सारा। दाल हमारी पीस गई है। इसी तरह से हमने जो प्याज अकोरा था वो भी मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। हमारा ये मिक्सर तैयार हो गया है दाल पीस के। हमने अभी हम इसमें मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हमने हल्दी डाली है, आधा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, गरम मसाला, नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल लें, क्योंकि हमें अभी इतना ही नमक चाहिए जितनी कि हमारी दाल है। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। देख सकते हैं ये हमारा मसाला अच्छे से मिल गया है इसमें। अब हम इसको एक साइड में रख देंगे और अपने चूल्हे पे तैयारी करेंगे कढ़ाई की। तो दोस्तों, हमने चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तो दोस्तों, हमारा तेल जो है वो गर्म अच्छे से हो गया। अब हम इसमें इसकी फुलकी डालेंगे। देख सकते हैं हमारी फुलकियाँ एक तरफ से सिक गई हैं। अब हम इन्हें पलट देंगे। देख सकते हैं दोस्तों, हमारी पकौड़ी जो है वो अच्छे से भुन गई हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। फुलकी हमारी सारी तैयार हो गई हैं। अब हम इसका मसाला बना लेंगे। हमने ये 3 लौंगे डाल दी, 1 चुटकी चिलौंजी डाल देंगे, प्याज का और गरम मसाले का पेस्ट बनाया था वो भी अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड कर देंगे। आधे से भी आधा चम्मच हमने हल्दी ले ली है, 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे इसमें। अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 1 चम्मच नमक डाल देंगे अपने स्वाद के हिसाब से, और 4-6 हमारी हरी मिर्च हैं जो ये भी डाल देंगे। मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। देख सकते हैं हमारा मसाले ने तेल छोड़ दिया है, ये अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और एक उबाल लगा लेंगे ऐसे ही।
हमारे मसाले जो है वो अच्छे से पकने लगा है और इसके बहुत अच्छा कलर भी आ चुका है। अब हम इसमें अपनी जो फुल्की हमने बनाई थी वो डाल देंगे। इनको हम 5 मिनट तक धीमी आंच में पकाएंगे। 1 चम्मच हम ऊपर से गरम मसाला इसमें डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे से मिला देंगे। हमें इसमें पानी थोड़ा कम लग रहा है तो हम पानी और डाल देंगे थोड़ा सा। अब हम इसे 5 मिनट के लिए धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे ढक के। तो दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से धीरे धीरे मिला देंगे। देख सकते हैं दोस्तों हमारी एक भी फुल्की जो है वो टूटी नहीं है, सब साबुत हैं। आप चाहें तो इसमें और भी पानी डाल सकते हैं, पतला बना सकते हैं इसको। तो ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है, मसूर की दाल की फुल्के तैयार हो गई है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।